Now let's start with dihybrid cross. Dihybrid cross में Mendel ने जो है दो characters को लिए थे, दोनों characters के contrasting traits लिए थे. तो हम कह सकते हैं कि in dihybrid cross we will study the inheritance of two characters simultaneously, right? तो dihybrid cross में Mendel ने जो character लिया था, उन्होंने जो characters consider किए थे, the characters were He considered two characters together, and those characters एक तो था plant height और दूसरा character था first character was plant height, second character was seed shape. तो plant height के जो contrasting traits होते हैं, height के contrasting traits हैं tallness and dwarfness. तो tallness and dwarfness जिसमें से कि आपको पता है कि टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फनेस इज रेसेसिव कैरेक्टर. इसी तरीके से सीड शेप के जो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड. मैंने कल टेबल बताया था, टेबल में बता दिया है, राउंड सीड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट ट्रेट एंड रिंकल्ड सीड इज रेसेसिव ट्रेट. तो उन्होंने पेरेंट जनरेशन में दो होमोजाइगस प्लांट्स लिए, प्योर लाइन प्लांट्स लिए, ठीक है. एक प्लांट लिया जिसकी जो कि टॉल था, जिसकी हाइट टॉल थी, मतलब टॉल प्लांट विद राउंड सीड शेप, एंड द अनदर प्लांट विच ही टुक वाज द डॉग प्लांट विद रिंकल्ड शेप सीड शेप. बोथ द प्लांट्स वर होमोजाइगस द प्योर लाइन प्लांट्स. F1 जो पेरेंट जनरेशन में जो वो लेते थे प्लांट मेंडल, ये प्लांट्स क्या होते हैं, प्योर लाइन प्लांट्स होते थे. सो ही टुक टॉल एंड प्लांट एंड विद राउंड सीड. तो इसका अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, राइट. अभी ये दिस ही टुक एज अ मेल प्लांट, राइट. एंड द अनदर प्लांट विच ही टुक वॉज dwarf and wrinkled dwarf plant with wrinkled seed. तो इसका जीनोटाइप अगर आप देखोगे small t small r right. तो this represents the p generation or the parent generation. इसके बाद क्या होता है parent generation के बाद, पहले क्या होगा, हर पेरेंट प्लांट इट विल प्रोड्यूस जर्म सेल्स और गैमीट्स. अब गैमीट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. तो जो ये प्लांट की अगर प्लॉयडी देखेंगे तो ये डिप्लॉयड होंगे, प्लांट क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे. तो दिस प्लांट द प्लांट विथ टॉल हाइट एंड राउंड सीड ही कंसिडर्ड द प्लांट एज मेल प्लांट, एंड द प्लांट विथ ड्रॉप shoots and the wrinkled seed he considered them as the female plant. Now he obtained the gametes. अब हमने देखा, हमने पढ़ा है कि homozygous plants जो होते हैं, मैंने last lecture में बताया था, homozygous plants they always produce single type of gamete. तो ये जो है दोनों एक तरीके के ही gamete produce करेंगे, T capital जिसमें कि half of जो है क्रोमोसोम आएंगे और एक एक एलील आएगा, एक एलील का हाइट का टॉलनेस का आया, एक एलील राउंड शेप का आया, एक एलील ड्वार्फनेस का आया और एक एलील जो है रिंकल्ड सीड का, राइट, स्मॉल टी स्मॉल आर. अब दीज आर गैमिट्स, ठीक है, ये गैमिट्स हैं, दे आर हैप्लॉयड. तो ये दोनों गैमिट्स हैं, हैप्लॉयड हैं. अब इनके बीच में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद दे प्रोड्यूस अ प्लांट विच द प्लांट विल बी हाइब्रिड प्लांट, राइट. तो जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर चारों एलील प्रेजेंट थे, और ये प्लांट था, दिस वाज हेटरोजाइगस टॉल एंड राउंड प्लांट. तो दिस वाज हेटरोजाइगस टॉल एंड राउंड प्लांट, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द F1 जेनरेशन. ये जो है
प्लांट F1 जनरेशन का है. F1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल मीन ऑफस्प्रिंग. अच्छा, अब ये क्या होता है कि अगर अब हम इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे, सेकेंड जनरेशन के प्लांट्स को देखने के लिए क्या करते हैं, F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फिंग कराई जाती है. सेल्फिंग कराएंगे तो अब आप यहां देख रहे हो कि दिस इज हेट्रोजाइगस प्लांट, तो ये क्या होगा, अब नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी मोर देन वन, एक से ज्यादा गैमेट होंगे. और हर अब एक प्लांट को मान लो हम सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल R. तो इसमें एक प्लांट को हम मेल प्लांट कंसिडर करेंगे और एक को हम फीमेल कंसिडर करेंगे, फीमेल प्लांट. अब ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, ये दोनों ये मेन प्लांट हो गए तो दे आर डिप्लॉयड, राइट. अब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे. तो अब जैसे जैसे आपका जो है क्रॉस बढ़ता जाएगा, मोनो नंबर ऑफ कैरेक्टर जैसे जैसे हम ज्यादा लेकर के क्रॉसिंग करेंगे, वी नीड उतना ज्यादा क्रॉसिंग आपको बनाने में क्या होगा, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट रेजिनल्ड सी पुनेट हु गेव अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, हु गेव अ टेबुलर समरी ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एलील्स एंड मैटर्नल एलील्स टू नो द जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग. सो बेसिकली प्यूनेट स्क्वायर इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन हेरिटेंस. तो हम साथ में प्यूनेट स्क्वायर भी देखेंगे कि कैसे प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू वी कैन गेट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सी वी कैन नो अबाउट द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, राइट. तो अब पहले क्या होगा कि इसके जो है गैमेट्स देखेंगे. तो ये दोनों प्लांट, मेल प्लांट जो है और फीमेल प्लांट, ये दोनों हैं, दे विल प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमेट, राइट. 4 तरीके की गैमेट प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी एसॉर्ट हो सकता है, किसी के साथ भी ज्वाइन हो सकता है, राइट. एसॉर्ट हो सकता है, जैसे कैपिटल T अगर टॉलनेस प्लांट अगर टॉल है तो प्लांट में राउंड सीड भी हो सकती है और प्लांट में रिंकल सीड भी हो सकती है. टॉल प्लांट की बात मैं कर रही हूं. अगर प्लांट ड्वार्फ है तो प्लांट ड्वार्फ प्लांट में भी राउंड सीड भी हो सकता है और ड्वार्फ प्लांट में रिंकल सीड भी हो सकता है. कैसे हो सकता है, क्योंकि गैमिट्स जो है वो रैंडमली सॉर्ट होंगे, राइट. तो अभी क्या होगा, आप देखेंगे कि अभी गैमिट फॉर्म कर रहे हैं, एक कैपिटल T कैपिटल R. कैपिटल T कैन फॉर्म कैन कंबाइन विद स्मॉल R, स्मॉल T कैन कंबाइन विद स्मॉल कैपिटल R एंड स्मॉल T विद स्मॉल R, राइट. तो ये 4 तरीके के गैमिट्स हुए. इसी तरीके से ये भी 4 तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल R स्मॉल T कैपिटल R एंड स्मॉल T स्मॉल R. अब ये चारों, एक दो तरीका होता है टू नो द पॉसिबल ऑफ स्प्रिंग्स. एक तो ये है कि हम चारों को क्रॉस करें इस तरीके से, तो ये थोड़ा बहुत क्यूरियस हो जाता है, ठीक है. इट बिकम्स वेरी ठीक है. तो आप ये देखोगे कि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. तो उसके लिए जो रीजनल सी प्यूनेट ने एक प्यूनेट स्क्वायर दिया था, प्यूनेट स्क्वायर चार्ट मेथड ही डिवाइस्ड. तो लेट्स सी प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर देखते हैं, साथ ही में ये इस क्रॉस को हम करेंगे. प्यूनेट स्क्वायर इज अ टेबुलर फॉर्म, इज अ ग्राफिकल विजुअल रिप्रेजेंटेशन और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस. इट वॉज गिवन बाय रेजिनल साइंटिस्ट रेजिनल सी प्यूनेट, ठीक है. प्यूनेट स्क्वायर इज अ स्क्वायर डायग्राम विच इज यूज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस, राइट. तो वट इज प्यूनेट स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर डायग्राम used to predict the
पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस। इसमें क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। और तो ये मैंने चार्ट बना दिया, ये टेबुलर फॉर्म तैयार कर लिया, चार्ट तैयार कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि प्यूनेट स्क्वायर इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, राइट। अब हम देखेंगे सारे कॉम्बिनेशन मिलकर के ये पॉसिबल जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ये 16 ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर हम दो कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो F2 जनरेशन में वी कैन गेट दिस 16 प्लांट्स। अब इन 16 प्लांट्स में हम देखते हैं कि पेरेंट प्लांट कितने हैं और क्या कोई नया रिकॉम्बिनेशन, नया मतलब प्लांट प्रोड्यूस हुआ, नया कॉम्बिनेशन का प्लांट प्रोड्यूस हुआ कि ऑल द कॉम्बिनेशन आर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जैसे पेरेंटल कॉम्बिनेशन टॉल एंड राउंड एंड ड्वार्फ एंड रिंकल। तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने बताया है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी एक कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट रहेंगे, डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एलील प्रेजेंट रहेंगे, तो क्या होगा, रेसेसिव एलील रेसेसिव कैरेक्टर विल बी मार्क्ड बाय द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप यहां देख रहे हो, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, तो चारों एलील जो है वो कैपिटल है। या इसका मतलब यहां पे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा कैसा होगा, टॉल होगा और राउंड होगा, राइट। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, यहां पे दोनों कैपिटल टी है और एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो टॉल तो होगा ही होगा, कैपिटल टी है, लेकिन सीड भी राउंड होगा क्योंकि एक कैपिटल आर प्रेजेंट है। तो अगेन मैं टॉल एंड राउंड सीड को, टॉल प्लांट एंड राउंड सीड जो है इसको मैं येलो कलर से डिनोट कर रही हूं, ठीक है। तो ये हो गया, और टी आर से, टी आर टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड राउंड, ये भी टॉल एंड राउंड होगा। यहां पे देखें आप, ये भी टॉल एंड राउंड। अब यहां देखिए, यहां दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है और दोनों स्मॉल आर प्रेजेंट है। जब होमोजाइगस कंडीशन में एलील्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे, दे विल एक्सप्रेस द कैरेक्टर। रेसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे तो दे विल एक्सप्रेस द कैरेक्टर। तो यहां पे दो रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, स्मॉल आर, तो यहां पे कैसा प्लांट प्रोड्यूस होगा, दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट है तो टॉल तो होगा ही, लेकिन सीड कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे। सो हियर वी विल गेट अ न्यू कॉम्बिनेशन एंड दैट इज टॉल एंड रिंकल्ड, राइट। ये टॉल एंड रिंकल्ड होगा। तो हम यहां पे, मैं इसको यहां पे लिखती हूं, अनदर प्लांट इज टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड विच आई एम डिनोटिंग विद दिस ब्लू कलर। तो अब आप यहां देखें कि नाउ अगेन कैपिटल टी है और कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होगा, टॉल एंड राउंड होगा। यहां पे फिर दोनों कैपिटल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर है, तो टॉल तो होगा लेकिन अगेन दिस विल बी रिंकल्ड। सो दिस इज टॉल एंड रिंकल्ड, टी डब्ल्यू टॉल एंड रिंकल्ड। यहां पे आप देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर प्रेजेंट है, फिर बाकी देखना ही नहीं है, इट विल बी टॉल एंड राउंड। यहां अगेन इट विल बी टॉल एंड राउंड। नाउ इन दिस केस बोथ द स्मॉल टी आर प्रेजेंट, मीन्स द रेसेसिव एलील्स फॉर द प्लांट हाइट आर प्रेजेंट। इट मीन्स व्हेन द रेसेसिव एलील्स प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन देन दे विल एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर ट्रेट। तो अब ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ एंड राउंड, जिसको मैं पिंक कलर से, ये नया कॉम्बिनेशन का प्लांट प्रोड्यूस हुआ है विच इज ड्वार्फ एंड राउंड, राइट, जिसको कि मैं पिंक कलर से डिनोट कर रही हूं। नाउ हेयर अगेन दिस विल बी ड्वार्फ एंड राउंड, राइट। यहां देखिए दिस विल बी टॉल एंड राउंड, दिस विल बी टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड,
राइट, ये कैसा होगा, राउंड ड्वार्फ एंड राउंड, अगेन दिस विल बी ड्वार्फ एंड राउंड, एंड दिस प्लांट स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर ड्वार्फ एंड रिंकल्ड. सो एक की एक नया प्लांट जो पेरेंट जनरेशन का आया, पूरा पेरेंट कॉम्बिनेशन का आया, सिर्फ एक प्लांट आया रिसेसिव कैरेक्टर वाला, वो था ड्वार्फ एंड रिंकल्ड. तो अब आइए हम देखते हैं कि ये जो है, दिस इज द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द प्लांट. एक्चुअली राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिनोटाइप. तो अब आप देखो कि कितने प्लांट आउट ऑफ दीस टोटल 16 प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स आर टॉल एंड राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, सो देर आर 9 प्लांट्स विच आर टॉल एंड राउंड. हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर विच आर टॉल एंड रिंकल्ड, 1, 2, 3. ओके, सो 3 प्लांट्स आर टॉल एंड रिंकल्ड. हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर विच आर ड्वार्फ एंड राउंड, 1, 2, 3. सो बच्चा आउट ऑफ दिस 16, 9 + 3 + 3, 15. बच्चा एक प्लांट विच इज ड्वार्फ एंड रिंकल्ड. सो व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो. तो आप देख रहे हो कि हमें दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ दो नए कॉम्बिनेशन के भी प्लांट मिल रहे हैं. ठीक है, टू न्यू प्लांट्स, टू देर आर वी गॉट 3 and 3, 6 प्लांट आउट ऑफ 16 विच आर ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन अदर देन द पेरेंट कॉम्बिनेशन. अगर आप जीनोटाइप की बात करें, अगर हम जीनोटाइप देखें तो इसका जीनोटिपिक रेशियो, दिस इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो, आप ये एक होमवर्क है कि कैलकुलेट द जीनोटिपिक रेशियो, मतलब कितने आप देखोगे, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कॉम्बिनेशन कितने कितने प्लांट्स में है, कितने प्लांट्स में दोनों कैपिटल टी है और एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है, इस तरीके से जीनोटिपिक रेशियो निकालना होता है. तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो बस आपको बता देती हूं कि व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो. जो जीनोटिपिक रेशियो आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, इट इज 1:2:2:1:2:2:4:2:2:1:2:1. और दिस इज टोटल प्लांट, द नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स कितने हो रहे हैं, 16. सो दिस इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस. ये इसी क्रॉस को आई हैव परफॉर्म दिस क्रॉस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड हेयर. दिस इज, आप यहां पे ले सकते हो, दिस इज द टोटल क्रॉस, इट रिप्रेजेंट्स द एफ टू जेनरेशन. तो एफ टू जेनरेशन में, एफ वन जेनरेशन में तो क्या था, ऑल द प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड. एफ वन जेनरेशन में क्या हुआ, ऑल प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस टॉल विद राउंड सीड, टॉल एंड राउंड. बट इन एफ टू जेनरेशन हमें क्या हुआ, पेरेंट जनरेशन के भी प्लांट मिले और वी गॉट द प्लांट विद द न्यू कॉम्बिनेशन टू. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ आफ्टर डिस्कसिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. राइट, मेंडल्स ने दो, बेसिकली ही गेव जनरलाइजेशन एंड हिज टू जनरलाइजेशन वर रेज टू द स्टेटस ऑफ लॉज बाय द कार्ल कोरेंस. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दो जनरलाइजेशन एंड इन दिस एंड आई विल ऑल्सो
tell you about those two generalizations who were raised to the status of laws, right? So the first postulate or the first generalization, which commonly is also known as the law of the inheritance, is the principle of paired factors. He gave many generalizations in the form of principles. So the first principle is the principle of, आपने ये क्रॉस देख लिया है, अब इसके बाद आपको ये जो जनरलाइजेशंस हैं, ये जो लॉज हैं, ये आसानी से समझ में आएंगे. द प्रिंसिपल्स ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स. अकॉर्डिंग टू दिस जनरलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दैट ईच कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय अ फैक्टर कॉल्ड जीन्स, एंड जीन्स हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलील्स, राइट. इस पॉस्टुलेट, इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है कि ईच कैरेक्टर, जितना जो भी कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय अ जीन. ईच कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय अ जीन, ठीक है, एंड बाय अ फैक्टर. एक्चुअली मेंडल ने जीन टर्म नहीं यूज किया था, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर द जीन्स, राइट. हम अभी जब हम इस समय जब हम इसको पढ़ते हैं तो जनरली वी यूज द टर्म जीन, बट द मेंडल ही यूज द टर्म फैक्टर. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर अ फैक्टर. सो ईच कैरेक्टर इज गवर्न बाय अ फैक्टर विच इज नोन एज कॉल्ड एज जीन. और क्या था, जितने भी जीन्स थे, जीन्स हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलील्स. जीन हैज टू, ईच जीन, हर जीन में इट हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कॉल्ड एलील्स. कहीं कहीं पे दो से ज्यादा भी एलील्स होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म. सेकेंड प्रिंसिपल वॉज द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और द लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो पहला तो प्रिंसिपल आपको समझ में आया. हमने देखा जब हम क्रॉस करते हैं तो कोई भी पेरेंट प्लांट लेते हैं, हर पेरेंट प्लांट में जो कैरेक्टर होता है वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मान लो हम टॉलनेस के कैरेक्टर को ले रहे हैं, तो टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर टू कैपिटल टीज, और आइदर इट इज, इफ इट इज इन प्योर लाइन फॉर्म, इफ इट इज इन हेटरोजाइगस फॉर्म, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई वन कैपिटल टी एंड वन स्मॉल टी, राइट. लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें क्या है कि जब एक, मतलब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, they have one or more sets of the contrasting traits. One or more sets of contrasting traits मतलब characters. जैसे कि monohybrid cross में हमने एक set of contrasting character देखा, contrasting trait देखा. Dihybrid cross में two set of contrasting characters देखते हैं. लेकिन किसी individual में खाली एक या दो character तो नहीं होते, तो बहुत सारे characters होते हैं. तो अभी फिलहाल हमने Mendelian cross में क्या हुआ, Mendelian inheritance में दो या तीन कैरेक्टर्स को देखा, तो उस टर्म्स में हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं. सो व्हेन टू होमोडाइगस इंडिविजुअल्स विद वन और मोर सेट्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन टू होमोडाइगस इंडिविजुअल्स विद वन और more sets of contrasting, ठीक है, वन और मोर सेट्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, द कैरेक्टर्स दैट अपियर आर क्रॉस्ड, देन द कैरेक्टर, देन द कैरेक्टर दैट अपियर्स, character that appears in F1 generation
इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, मीन्स कि जो कैरेक्टर अपियर हो रहा है एफ एन जनरेशन में, जब दो प्योर लाइन प्लांट्स क्रॉस करते हैं, प्योर लाइन इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, तो वी गेट हेट्रोजाइगस कंडीशन और हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। लेकिन उनमें जो कैरेक्टर अपियर होगा वो कैरेक्टर कौन सा अपियर होगा, जो डोमिनेंट है। द कैरेक्टर विच डू नॉट अपियर, विच विल नॉट अपियर इन द क्रॉस, दैट इज द रेसेसिव कैरेक्टर। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। द थर्ड लॉ इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। आपने देखा जब मैंने क्रॉस बनाया कि मान लो एक टॉल प्लांट है, ठीक है, इसके इसमें कैपिटल टी था, जब इसने गैमेट फॉर्म किया ना, चाहे ये टॉल प्लांट, ये प्योर लाइन टॉल प्लांट है, या ये टॉल प्लांट लेते हैं जो हेटरोजाइगस है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, इधर मेल और फीमेल। तो जो इनके गैमेट बनेंगे, तो आप देखोगे गैमेट में, गैमेट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट एलील्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, राइट, एलील्स दे बिकम सेग्रीगेट, दोनों साथ नहीं, तो दोनों कैपिटल टी साथ में नहीं आते। ये जीन्स में एलील्स पेयर्ड फॉर्म में है, ये एलील्स जो है गैमेट्स में सेग्रीगेट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टूगेदर इन अ हेट्रोजाइगस क्रॉस, when a pair of contrasting characters are brought together in a heterozygous condition, the two remains together without being contaminated, ठीक है, the two remains together without being contaminated। अभी मैं बताऊंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटामिनेटेड। बट व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस टू हेटरोजाइगस प्लांट, देन दे गेट सेपरेट, ठीक है, दे गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, दे गेट सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। सो विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड मतलब क्या हुआ कि आप यहां देख रहे हो कि इस प्लांट में देखो, ये हेट्रोजाइगस टॉल में, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कंटामिनेशन मतलब क्या होता है, एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, लंबे और छोटे के बीच में एक और भी एक एवरेज हाइट आती है, मीडियम हाइट आती है, एक हाइट और हम लेते हैं जिसको कहते हैं मीडियम। मतलब क्या हो रहा है, कंटामिनेशन हो रहा है, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ना बहुत लंबा है ना बहुत छोटा है, तो क्या मीडियम हाइट है, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, देयर इज नो कंटामिनेशन, ठीक है। सो क्या हो रहा है, बट ये जो है दे जब भी एक साथ ये आएंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएंगे, या आइदर दे विल बी एक्सप्रेस्ड और दे विल बी सप्रेस्ड, बट दे विल नॉट बिकम कंटामिनेटेड, ठीक है। बट व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम देम, द टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, बट व्हेन देख रहे हो, बट वेन गैमिट्स आर फ्रॉम देम द टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, जब इनसे गैमिट बन रहा है तो क्या हो रहा है, दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सो बट वेन गैमिट्स आर फॉर्म फ्रॉम देम,
द टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज द लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी. मैंने बताया था कार्ल कॉरेंस ने, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कह सकते हैं. ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने दिया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी. तो आप ध्यान रखें, ये नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी. विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी? द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी विच वॉज गिवन बाय आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. वन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वॉज गिवन आफ्टर द डाईहाइब्रिड क्रॉस. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक अगर हम सिंगल कैरेक्टर को कंसिडर, सिंगल कैरेक्टर के क्रॉस को कंसिडर करके अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये बताता है कि जैसे हमने देखा डाईहाइब्रिड क्रॉस में कि दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के प्लांट्स के बीच में क्रॉस हुआ, लेकिन जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आए वो चार तरीके के थे. दो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुए और दो प्लांट ऐसे हुए जो नए कॉम्बिनेशन के थे. क्यों? क्योंकि जो गैमिट्स हैं दे आर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. एलिल्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. कोई भी एलिल किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है. टॉल प्लांट का जो एलिल है इट कैन कंबाइन विद द राउंड सीड, इट कैन कंबाइन विद द रिंकल सीड. इसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट जो है, ड्वार्फ प्लांट के जो एलिल है इट कैन कंबाइन विद राउंड सीड, इट कैन कंबाइन विद द रिंकल सीड. पहले क्या था कि टॉल प्लांट के साथ सिर्फ राउंड सीड था और रिंकल प्लांट के साथ सिर्फ ड्वार्फ सीड, ड्वार्फ प्लांट के साथ सिर्फ रिंकल सीड था. लेकिन सिर्फ दो तरीके के ही प्लांट्स नहीं प्रोड्यूस हो सकते. कि टॉल प्लांट है तो उसका सीड राउंड ही होगा, ऐसा नहीं है. प्लांट अगर टॉल है तो उसका सीड रिंकल्ड भी हो सकता है. इसी तरीके से अगर ड्वार्फ प्लांट है तो उसका सीड जो है राउंड भी हो सकता है, सिर्फ रिंकल नहीं हो सकता. दिस इज नोन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मतलब कोई भी कैरेक्टर किसी में भी आ सकता है अगर वो कैरेक्टर पेरेंट्स में प्रेजेंट है. दिस इज एप्लीकेबल टू द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. हमारे में भी ये एप्लीकेबल है. कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ आप देखोगे कि बच्चों में एकदम से डिफरेंट कैरेक्टर आता है जो पेरेंट्स में दिखता नहीं है, लगता नहीं है कि ये मतलब ये कैसे है, मतलब पेरेंट्स में किसी में ये कैरेक्टर नहीं है. तो क्या होता है ना, कुछ कैरेक्टर फोर फादर्स के थ्रू बहुत प्रीवियस जनरेशन से हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड रहते हैं और किसी एक जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर कोई कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है तो इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द आइदर इन द फादर और इन द मदर. सो लेकिन इसी तरीके यहीं पे ये बताना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसीलिए मैं कह रही हूं कि इट वॉज, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट कैन बी एक्सप्लेन आफ्टर डाईहाइब्रिड क्रॉस. क्योंकि जब हम एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं तब हम बता सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी, कोई भी एलील किसके साथ भी असॉर्ट हो सकता है. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर इज स्टडीड, if the inheritance of more than one pair is studied simultaneously, ठीक है, study it simultaneously, the gene for each pair of character assort
आउट इंडिपेंडेंटली, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मैंने बताया था इट कैन बी, इट वॉज गिवन बाय आफ्टर द डाइहाइब्रिड क्रॉस, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, जो कार्ल कॉलिंस ने मेंडल के जनरलाइजेशन को लॉ ऑफ स्टेटस दिया था, उसमें एक जनरलाइजेशन ये था, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस. अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, एक दो क्वेश्चंस हम क्रॉस से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन. अ पी प्लांट विद ब्लू कलर फ्लावर डिनोटेड बाय कैपिटल बी बी इज क्रॉस ब्रेड विद अ पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर्स डिनोटेड बाय स्मॉल बी बी. सो दिस इज द कंडीशन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड ओवर दिस कंडीशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर ऑफ फ्लावर इन F1 जनरेशन. तो पहले हम क्या करेंगे, विल मेक अ क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स विद टू डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स BB एंड कैपिटल BB एंड स्मॉल BB. तो एक प्लांट जो था जिसका कि जीनोटाइप था कैपिटल BB, सपोज दिस इज मेल प्लांट, इसमें ब्लू फ्लावर है, ठीक है, दिस इज ब्लू कलर फ्लावर. इट इज क्रॉस्ड विद द प्लांट्स विद व्हाइट फ्लावर हुज जीनोटाइप इज स्मॉल BB, ठीक है. तो दिस रिप्रेजेंट्स द पी जनरेशन. अब ये जो है क्या होंगे, दे बोथ विल प्रोड्यूस गैमीट, ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, होमोजाइगस प्लांट है तो ये सिमिलर टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे. ये प्लांट जो है डिप्लॉयड, दे आर शोइंग डिप्लॉयड कंडीशन. व्हेन द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड देन दे विल बी हैप्लॉयड इन प्लॉयड कंडीशन. नाउ दीज गैमीट्स दे विल फ्यूज टूगेदर एंड दे विल प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट हुज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज, हुज जीनोटाइप इज जी कैपिटल बी स्मॉल बी. अब आपको पता है कैपिटल लेटर इज डोमिनेंट, इज एक्सप्रेसिंग द डोमिनेंट कैरेक्टर, इज डिनोटिंग द डोमिनेंट कैरेक्टर. इट मीन्स कि अगर कैपिटल बी यहां प्रेजेंट है तो व्हाट विल बी द फ्लावर ऑफ द कलर, इट विल बी द ब्लू, इट विल बी ब्लू. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द F1 जनरेशन. अब यहां पे जो ये ब्लू है ना, इट इज नॉट होमोजाइगस ब्लू. आप यहां देख रहे हो ये ब्लू में होमोजाइगस है क्योंकि बोथ द एलील्स आर सिमिलर, बट हियर द एलील्स आर डिफरेंट. सो दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस ब्लू, राइट. अब ये ब्लू को अगर हम सेल्फिंग कराएं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो आंसर क्या होगा कि एक्सपेक्टेड कलर ऑफ फ्लावर इन F1 जनरेशन इज ब्लू, आंसर इज ब्लू. तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर आ रहा है वो कैसा है, ब्लू कलर का हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स बेयरिंग व्हाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन व्हेन प्लांट ऑफ F1 सेल्फ्ड. अब F1 के प्लांट की अगर हम सेल्फिंग करें, सपोज हम सेल्फिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेल्फिंग इन दोनों प्लांट के बीच में करेंगे, एक प्लांट को हम मेल प्लांट कंसिडर करते हैं, एक को फीमेल, अगेन दे विल प्रोड्यूस गैमिट. नाउ These are heterozygous plant, है ना. अब क्या हो रहा है, ये heterozygous plant है तो they will produce two type of the gamete. तो ये क्या करेंगे, they will produce दो तरीके के gametes, capital B, एक gamete में capital B होगा allele, एक में small B होगा. इस तरीके से इसमें भी एक में capital B allele होगा और एक में small B होगा. अब इनमें हम क्रॉस परफॉर्म करेंगे, तो क्रॉस में क्या होता है, दिस कैपिटल बी कैन कंबाइन विद दिस कैपिटल बी एंड दिस कैपिटल बी कैन कंबाइन विद दिस कैपिटल बी ऑल्सो. तो हम ये सारे ऑप्शन पॉसिबिलिटी परफॉर्म करेंगे. तो एक हुआ, एक प्लांट हमें जो प्लांट हमें मिला उसमें कैपिटल बी था जीनोटाइप, अनदर प्लांट में जो हम अनदर प्लांट विच वी गेट इज हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड वन मोर प्लांट वी गॉट इन विच वी हैव द जीनोटाइप स्मॉल बी, राइट. सो The question is, what is the percentage of plant bearing white flower in F2 generation? White color is recessive color, ठीक है.
व्हाइट कलर क्या होता है, ये रेसेसिव कलर है। और रेसेसिव ट्रेट कब एक्सप्रेस होते हैं? रेसेसिव ट्रेट ऑलवेज एक्सप्रेसेस व्हेन दे आर इन होमोजाइगस कंडीशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर कि रेसेसिव ट्रेट्स ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में ही रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होंगे, अदरवाइज इट विल बी मास्क बाय द डोमिनेंट ट्रेट। तो अब आप बताओ कि इन चार प्लांट में कितने प्लांट व्हाइट है? ये तो ब्लू हो गया, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, बट दिस इज व्हाइट। तो अगर हम कंसिडर करें आउट ऑफ दीज फोर प्लांट ओनली वन इज व्हाइट एंड थ्री आर ब्लू, तो कितने परसेंट फ्लावर व्हाइट हैं? 25% फ्लावर्स, 75% फ्लावर्स आर ब्लू एंड 25% फ्लावर्स आर व्हाइट। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर? 25% फ्लावर्स आर व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स कैपिटल बी बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इन एफ टू प्रेजेनी? ठीक है, एफ टू प्रेजेनी में कैपिटल बी बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का क्या प्रेस? तो कैपिटल बी बी एक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल बी कितने हैं प्लांट? दो, और स्मॉल बी का प्लांट कितने? एक है। तो यहां पे रेशियो पूछ रहा है इसके और इन दोनों के बीच में, तो कितना होगा? 1:2, तो रेशियो इज 1:2। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड विद द मेंडेलियंस इनहेरिटेंस।